धनतेरस पर सोने चांदी के अलावे खरीदे ये चीजें, लक्ष्मी कुबेर करेंगे धन वर्षा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हर साल की भांति देश भर में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के साथ ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। दुकानें सज चुकी हैं, बाजारों में दिवाली की रौनक हर तरफ नजर आ रही है। लोग धनतेरस की खरीदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। धनतेरस का त्यौहार विशेष रूप से खरीदारी के लिए ही मनाया जाता है। लोग सोने चांदी, आभूषण, बर्तन, झाड़ू आदि चीजें खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन लोग लक्ष्मी, गणेश, भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करते हैं। वैसे तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन सोने चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह से ज़्यादातर लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में सोने चांदी जैसी धातुओं के अलावे और भी क्या चीज़ें खरीद कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, जो कम बजट में भी हो और माँ लक्ष्मी को प्रिय भी हो। धनतेरस के अवसर पर ये कहीं से भी जरूरी नहीं है कि केवल सोने चांदी की ही खरीदारी की जाए। लोग अपनी जेब के हिसाब से भी चीज़ें खरीद सकते हैं। धनतेरस पर पीले धातु के बर्तन खरीदे जा सकते हैं, जो कम बजट में भी मिलते हैं। स्टील और लोहे के बर्तन भूल से भी ना खरीदें, अन्यथा लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। इस दिन झाड़ू खरीदने की भी मान्यता है। हिंदू धर्म के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। मूर्तियों को खरीदना भी शुभ होता है। गोमती चक्र धनतेरस के मौके पर 11 गोमती चक्र खरीद सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन पीले वस्त्र में गोमती चक्र को बांध कर तिजोरी में रखने से धन का लाभ होता है। हालांकि चांदी का सिक्का भी एक बेहतर विकल्प है। धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीद कर दिवाली की पूजा में माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जा सकता है। चांदी का सिक्का बहुत ही शुभ होता है और ये कुछ खास महंगा भी नहीं आता है। धनतेरस की खरीदारी में लोग साबुत धनिया भी खरीद सकते हैं। धनिया काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे खरीदकर माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर परिवार में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। शादीशुदा महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन उन्हें 16 श्रृंगार का तोहफा भी खरीद कर दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय से जुड़ा काम है तो वे इससे संबंधित चीज़ें खरीद कर जैसे पेन, आर्टिस्ट ब्रश, कॉपी किताब, बही खाता आदि खरीद सकते हैं। इन चीज़ों को खरीदने से भी घर में सुख और वैभव का संचार होता है। धनतेरस की खरीदारी में गलती से भी सेकेंड हैंड या फिर इस्तेमाल हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, इससे बहुत अशुभ माना जाता है। साथ ही काले रंग की वस्तुएं या कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस धनतेरस आप क्या खरीद रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।